जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल है प्यार है आप सबको ट्रक भर के। तो आज हम करने वाले हैं, मतलब हमने पिछले वीक कनक काटी हुई थी तो आज हम उसकी थ्रेशिंग करेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काम भरा रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। मैं दिखाती हूँ, वैसे मतलब पहले होता था ना कि पुराने तरीके में पारंपरिक तरीके से, जैसे कि पूरे लेंटर पर बिछा देंगे कनक ना, और फिर जो बैल होते हैं उनसे करवाते थे थ्रेशिंग ना, फिर मतलब उससे बाहर काफ़ी ज़्यादा काम पड़ जाता था, क्योंकि फिर जो दाने निकल जाते थे उसको थोड़ा साइड करना पड़ता था, फिर मतलब काफ़ी काम होता था। आप समझ सकते हो, जो लोकल हैं मतलब जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन मशीन से काफ़ी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। ये छोटे वाले जेठ हैं मेरे। और जो ये चीज इधर आ रही है, हम इसको बोरे में डाल के स्टोर कर लेंगे हमारे जो पशु हैं उनके लिए। और ये ऐसे बिछाई हुई है क्योंकि कुछ गीली है ना कनक, गीली कनक आसानी से थ्रेश नहीं होती है थ्रेशर में, तो इसीलिए। हेलो मिस्टर, हेलो तो हेलो, फोन पे ही बिजी है एज ऑलवेज। हेलो, क्या हाल है सबके? सब ठीक है, ठीक है। आप आज मिशन में जुड़े हैं हमारे साथ कनक कटाई में? जी बिल्कुल, सारा हमने आज सफर कर लिया है। मुझे नहीं लगता होगा, रात को 12 बजेंगे चाहे 2 बजेंगे आज खत्म हो गए। चलो अच्छी बात है, हो जाए तो। ये तो पता क्या होता है, अभी 2-3 दिन लगेंगे जो ये इसके है ना, ये वाले ये चुभते हैं पूरा दिन है शरीर में, वो तो चुभते ही हैं, क्या करना। मैं तो हूँ अभी रेस्ट पे फिलहाल, क्योंकि लेडीज़ का काम होता है, जो मैंने बताया नहीं पशुओं के लिए चारा वो वाला भर के मतलब एक जगह रखना होता है, कहीं स्टोर करना होता है ना, तो हम लेडीज़ का काम वो होता है उसको बोरे में डाल के स्टोर करना। तो जब तक ये थोड़ा अच्छा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना भरने लायक बोरे में, तब तक हम रेस्ट पे हैं। तो आपा तो बैठे यहाँ रेस्ट कर दे, बाकी बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। Yeah.
तो ये धूप में लगाई है, जो थोड़ी सी नमी पकड़ी होती है जिस कनक ने। तो यहाँ देखो जी, काम के कारण मैडम सो गए हैं खड़े खड़े। हेलो, इनको तो नींद आ रही है, काम काम के समय नींद। मेरा काम ही नहीं अभी कुछ, सोना नहीं तो क्या करना है। तो जाओ रेस्ट करो, मेरे को आवाज लगा लोगे आप, मैं कॉल कर दूंगा आपको। बाय। काम आएगा ना। फिर आप तब तक के लिए बाय बाय। अपने सनी भाई मंडियाल भाई बुरे हाल इनके यार। तो मौसम हो गया खराब, हवा के कारण कनक की फंडाई को रोक दिया है। तो जो वो तूड़ी है उसको हम बोरों में भर रहे हैं और इसको स्टोर करेंगे। अभी तैयार नहीं करता ये बोरों में भरेंगे और वहाँ स्टोर में डाल देंगे। पापा लगे हैं, मम्मी भी, सनी भाई रेस्ट कर रहे हैं बैठे हैं। ये नलायक बच्चा आज किसी कुछ काम नहीं किया इसने, इसकी शक्ल पे लग रहा है। ये कामू बच्चा, इसके बाल भी एकदम देखो वाइट हो गए। हाँ जी, कैसा रहा आज का आपका दिन? नहीं सच्चा किसी नहीं हुआ आज का, हमने काम नहीं किया है तो खुश है ही जनाब। आज मेरे लायक कुछ काम नहीं था ना, तो इसलिए मैंने काम। अच्छा, आपके लायक काम बनाने पड़ेंगे। हाँ, आप छोटे मोटे ये काम नहीं करते, आप तो तूफानी काम करते हैं बड़े। तो चलो दूर दूर से दूर दूर तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। खाना बनाया? बन गया खाना। क्या बनाया? किस रोड सब जी खिलानी किस रोड थी? मंगली वाली डिश, चौधरी वाली डिश खिला दी अब मेरी अपने प्यूकी की और मेरी ससुराल। और बने रहिए ब्लॉग में। हमारे घर के सबसे लाइक बंदे जिन्होंने पहली बार 7 बोरे इकट्ठे अकेले ने ढोए आ चुके हैं। ऑल सीट ने भी कटी में कट्टे ही और बिना बीच बीच का कर दी फिर बड़ी भूख से बन गई।
बारिश लग रही है जिसके कारण कनक की थ्रेशिंग रुक गई, जिसके कारण आज का काम यहीं पे रोकना पड़ा। आज हमें दूसरा दिन है कनक की थ्रेशिंग करते हुए, पर बारिश ने फिर से खलल डाल दिया आज तो, नहीं तो आज काम पूरा हो जाता और कल को हम फ्री हो जाते। पर क्या करें, ऊपर से अब बरस रही है तो आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। ये ब्लॉग भी लंबा हो गया होगा। होप्सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए आए हैं तो लव यू सबको, ट्रक वर्क के ख्याल रखो अपना और अपनों का।